送你们来记者，辛苦吧记者。महाराज जी के बारे में मेरे मुख से तो जैसे वैसे ही होगा, जैसे हम चलोटा भजन करते हैं भगवान का भजन, जैसे वो भजन जो है जिस तरह से उसके मुख से लगता है उसी तरीके से मेरे मुख से जो है महाराज जी के बारे में कुछ बोलना है। फिर भी अपने अपॉइंटमेंट के लिए कुछ दो चार जो विशेष मतलब लगभग 10 ईयर्स से गुरु महाराज को देख रहे हैं हम लोग, तो जो 3-4 चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग है महाराज का जो फ्रॉम फर्स्ट डे मतलब वही चीज़ें उसमें भी रिलाइज कर रहे थे, वही चीज़ें अभी रिलाइज कर रहे थे, और सारे भक्तों ने जो महाराज के बारे में अलग अलग लीलाएँ बताई, महाराज के गुणों को बताया, तो सारी कथाओं में लगभग वही सारे महाराज के गुण दिख के आ रहे थे सामने से। तो सबसे पहला कि जो महाराज हमेशा श्रील प्रभुपाद के पे बहुत ज़्यादा सरेंडरेंस था, मैं फर्स्ट डे से ही जब से महाराज का लेक्चर सुना था इतना इंस्पायर नहीं था या इस कौन से, तो भी महाराज मैं कभी किसी के बारे में अगर गुरु महाराज के बारे में बोलना होता था तो हमेशा मुझे ये लगता था कि महाराज अपने गुरु के प्रति बहुत सरेंडर है। जब भी जिस भी क्लास में महाराज को हमने सुना, कोई ऐसा क्लास नहीं था कि जिसमें गुरु महाराज ने प्रभुपाद के बारे में कम से कम 5 बार प्रभुपाद नहीं किया हो। कोई भी क्वेश्चन आंसर था तो वो हमेशा रेफर करते थे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ने भक्तों में यहाँ पे ये क्वेश्चन किया था, प्रभुपाद ने ये आंसर किया। तो ये एक्सट्रीम सरेंडरेंस था गुरु के प्रति, जिसके वजह से कि गुरु महाराज में कभी अहंकार नहीं था। और जैसे सभी भक्तों ने बताया कि बहुत करुणा के स्रोत थे महाराज, हमेशा सभी जीवों पे बहुत ज़्यादा गुरु महाराज ने हमेशा करुणा दिखाई। और तीसरा है गुरु महाराज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ भी क्वेश्चंस होता था या कोई भी मैनिपुलेट कोई भी हम लोग कुछ भी वक्त मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे गुरु महाराज को, तो वो इतने उच्च कोटि के थे कि उनको सब विजुलाइज हो जाता था और वहीं पे उनको तुरंत गुरु महाराज काट देते थे। चौथा कि गुरु महाराज जो है कभी किसी के अहंकार को, जैसे गुरु महाराज से कोई भी मिलते थे तो गुरु महाराज इमीडिएटली उनको रिलाइज हो जाता था कि ये अहंकार में है, और गुरु महाराज अपने आंसर से इमीडिएटली उनके अहंकार को तोड़ते थे। जैसे अभी हरिके सेवक प्रभु अपना पास्ट एक्सपीरियंस अभी बता रहे थे, अभी प्रभु के पास के साथ में अभी वो गए थे गुरु महाराज के पास, तो उन्होंने महाराज से कहा कि पहचाने, तो महाराज ने कहा कि प्रभु जी मैं मतलब महाराज जी मैं आपको आए थे ना गुरु सिटी टेम्पल तो हमारे घर आए थे, बोले हाँ मुझे याद है मैं तुम्हारे टॉयलेट करने गया था तुम्हारे यहाँ। तो महाराज जी ने इमीडिएटली उनके अहंकार को तोड़ा, जैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें स्पेशल फील होता है, हम लोग बोलते भी हैं बहुत लक्की थे आप, तो उन्हें भी जैसे महसूस तो होता ही है, तो उनको महाराज जी को इमीडिएटली फील हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जाना इनके अंदर अहंकार ला रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ टॉयलेट करने गया था। तो इस तरीके से महाराज बहुत ही आराम से अहंकार को काटते थे, और लेकिन इमीडिएटली ध्यान रखते थे कि कभी भक्त हर्ट ना हो, तो हमें रेक्टिफाई करते थे विदाउट हमारे इमोशनली हर्ट करना, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमारा फॉल डाउन हो, तो इस विशेष ध्यान रखते थे। ऐसे कई भक्तों ने इस चीज़ को रिलेशन शेयर किया था और हम लोगों ने सुना इस कथा को, हम रिपीट करने से हम समय नहीं लेंगे, तो हम इन्हीं महाराज के इन्हीं विशेष आचरण जो कि इनके द्वारा इन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और अपनी सारे सादगी से इन्होंने हमें सिखाया अपने जीवन को, तो महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि अपने से इसमें से कुछ गुण हम जैसे पतितों में भी हमें दें, जिससे कि हम भक्ति में थोड़ा सा और साधना हम अपनी कुछ कर सके। महाराज जी से मैंने एक बार पर्सनली पूछा था, जब मौका मिला था एक बार ग्रुप में हम लोग गए थे दिल्ली टेम्पल, कि हमें कैसे जपा करना चाहिए, हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो महाराज जी ने कहा था जपा करो, तो यानी जपा का आंसर जपा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे महाराज, डायरेक्ट आंसर करते थे। तो ये चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में हमें उतारने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।